नमस्ते नमस्ते सम्पूर्णलाई, म चाहिँ अहिले साउदी अरबको अल्कासिम बोरेदा नजिकै छु, बोरेदाको नजिकमा छु। यसो रमाइलो बाटोमा हिँड्दाखेरि और भाई साहब क्या बोलते हो तुम? जी जी भाई साहब, कैसे हो? ठीक ठाक हो? आज क्या हुआ, कैसा हुआ? आज मस्त हुआ भाई साहब, बताओ क्या चल रहा है नेपाल में आजकल? नेपाल में तो कुछ नहीं है भाई जान, हालत खराब है, मुश्किल है। क्या मुश्किल है? किस चीज का मुश्किल है भाई साहब? भाई साहब लोगों को सऊदी अरब पसंद आ रहा है नहीं आ रहा है? माशाल्लाह, इधर पैसा है भाई, पैसा पसंद तो आए। कितने नेपाली आप यहाँ पे हो? नेपाली तो बहुत होगा भाई जान, बहुत है यहाँ पे, मेरे को उतना पता तो नहीं है। एक चीज है भाई जान, मैं इंडिया से हूँ, जो मैंने देखा था ना, मतलब हमारे इंडिया में भी नेपाली है, मैं नेपालियों से मिला नहीं था, इतना पास नहीं आया था कभी। जितना मैंने आप लोगों को देखा है ना, जितना मैं आपके पास करीब आया हूँ, कि मतलब ऐसे लग रहा है, लग नहीं रहा, मैं खुद फील भी कर रहा हूँ कि नेपाली इज अ ग्रेट, नेपाली बहुत सही बंदे नेपाली। मैं बोल रहा था हमारे इंडिया में जो है ना, पंजाब के बंदे ग्रेट माने जाते, लेकिन सेम सेम आप मानो पंजाबी जैसे ग्रेट नेपाली है, बहुत सही। देखो भाई साहब जी, तुम सही है हाँ, तो हम सही है, मैं सही हूँ जी, मैं सही है लेकिन तो तुम सही है। एक चीज है ना हाँ। एक चीज ये है कि आधे ये बोलते हैं, मतलब अगर आप सामने वाले को अभी देखोगे आपको पता नहीं ये कैसा है क्या नहीं, लेकिन आप तब भी हेल्प करने जाओगे, आपको ये नहीं पता ये कैसा है। सही बात है। तो ऐसा मैंने देखा है नेपाली में कि ये गुड, नेपाली बहुत सही बंदे, बहुत सही। शुक्रान शुक्रान शुक्रिया। नेपाली इज अ ग्रेट। भाई साहब आपने क्या देखा हम लोग का, यानी नेपाली लोग का तारीफ किया, मतलब जो आपका तारीफ है ना, यानी हम तो ऐसा लग रहा है यानी कुछ नहीं किया आपके ऊपर, आप नया है, हम तो ना आपको पैसा दिया है ना किसी चीज में हेल्प किया, क्या चीज से यानी बोला, यानी आपने क्या देख के बोला, क्या सोच के बोला यानी अच्छा है नेपाली लोग, यानी कुछ नहीं भाईजान। देखिए मुझे किस चीज से पता चला कि अभी मुझे आपको कितना टाइम यहाँ पे सऊदी अरेबिया में हो गया? मैं भाई साहब इधर अभी 12 साल होने वाला है भाई साहब। 12 साल आपको यहाँ पे होने वाले? हाँ हाँ 12 साल। तो समझो आपने 12 सालों में कम से कम मुझे लगता है 70% सऊदी अरेबिया तो देख लिया होगा। मतलब 70% नहीं, ऐसा सोचो मुमकिन 80% तो हम हो गया होगा, 80% हो गया होगा। क्योंकि देखो भाईजान मैं आपके साथ अभी मुझे कितना टाइम यहाँ पे हो गया, खाली 2 महीने, 2 महीने, 2 महीने से थोड़ा ऊपर हो गया हा? कुछ दिन। तो इन 2 महीनों में मैं किसके साथ घूम रहा हूँ? नेपाली लोग के साथ। नेपाली लोगों के साथ, खासकर ज्यादा आपके साथ में घूम रहा हूँ। तो मैं फोकस कर रहा हूँ क्योंकि मैं अभी एक कश्मीरी लड़का हूँ, मैंने आपको पहले भी बोला था, अभी भी बोल रहा हूँ, क्योंकि मैंने नेपाली में ऐसा नहीं देखा था जो नेपाली लोग हैं, ये क्या है क्या नहीं, मैं कभी मैंने एक थाली में नेपालियों के साथ खाना ही नहीं खाया था, बट मैंने इन 2 महीनों में खाली नेपाली लोगों के साथ खाना खाया है, ठीक है ना। तो मैं ये चीज जान चुका हूँ कि एक नेपाली में दिल कितना है, वो कितना मतलब इज्जत करता है, एहतराम करता है, ठीक है ना, मतलब उसके अंदर क्या फीलिंग है। और अभी मैं आपको देख रहा हूँ, आपको मैंने जितना देखा कि आप लोगों को जिस हिसाब से देख रहे हो, मतलब कहीं पे कुछ भी हो आप बात करने को जाते हो, हेल्प पूछने को जाते हो, यहाँ के नहीं, मैं ये यूट्यूब के लिए बोल रहा हूँ, आपने अभी चैनल खोले, मैं कुछ तारीफ कर रहे हो कुछ नहीं, मैं ये दिल से बोल रहा हूँ, सच में मैंने ये देखा है, मैं अल्लाह की कसम खा के कहता हूँ, अल्लाह हमारे लिए सबसे बड़ा है, उसकी कसम खा के देखता हूँ कि मैंने ये सब कुछ देखा है। तो इसलिए भाई साहब नेपालियों की तारीफ क्यों नहीं बनती? सही बात है यार, नहीं मैं इतना तारीफ। और देखो 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 मैं आपको एक सही बात बता रहा हूँ भाईजान, मैं अल्लाह की कसम खा के आपको सही और सच बता रहा हूँ, अगर आप यहाँ नहीं ना होते सऊदी अरब में, मैं आपके साथ नहीं होता काम में, शायद मैं जिस दिन मैं आया था ना, अगले 2 दिन के बाद मैं वापस इंडिया भाग गया होता। आपने जो तारीफ किया है ना, कसम से ऐसा लगता है दिल खुश हो जाता है यार, आदमी लेना देना क्या है जिंदगी में यार, कुछ भी नहीं लेना देना, कुछ भी नहीं।
मार के लेके जाना क्या है जिंदगी, कुछ भी नहीं लेके, तारीफ है, तारीफ है, तारीफ को छोड़ो, तारीफ तो मैंने मतलब मैंने आप में देखा है कुछ क्वालिटी, मतलब मैं तो अभी नेपालियों से कभी नहीं ना बैठा हूँ। मैंने आपको पहले भी बोला कि मैं जो हूँ, मैं घर में होता था, हम होटल पे जाती थी मोमोज खाने, तो मोमोज खाने हम जब जाती थी वहाँ पे नेपाली भाई होता था, उसके साथ हेलो हाई होता था बस। लेकिन आप लोगों के साथ मैं एक ही थाली में खाना खाता हूँ, आपसे दिन भर चलता हूँ, तो मतलब यहाँ पे आपके बंदे अर्जुन भाई वगैरह, बुद्धि भाई वगैरह, आप जितने भी हो ना ग्रेट हो। सच में मैं यही बोल रहा हूँ कि शायद अगर आप यहाँ नहीं होते तो मैं कब का भाग गया होता। पहले बात तो भाईजान, हम नेपाली लोग में क्या होता है मतलब जी, कोई कोई आदमी ऐसा भी होता है ना, जैसा अब अभी नया आदमी आया है जी, जैसा यानी आप हो गया जी, अभी हम नेपाली से छोड़ के किसी भी आदमी के साथ में आप बैठता होगा पहले नया में, तो ऐसा लगता है आपको ऐसा बोल देता है वो लोग जी, जितना मैं कर सकता हूँ काम आप भी तो कर सकता है, कर सकते है कि नहीं, हाँ। जितना मैं जानता हूँ आप भी तो जान सकता है, जान सकता है लेकिन हाँ। लेकिन आदमी लोग क्या बोल देगा, ओ ऐसा होगा वैसा होगा, तुम काम नहीं कर सकते, तुम नाम कर गया, ये मैंने मैक्सिमम सऊदी में देखा है कि मतलब आपको बोल सकते हैं कि हाँ इधर यार ऐसा है इधर वैसा है, लेकिन नहीं, मैंने आप ऐसा नहीं देखा। मैं जब इधर आया हूँ आप लोगों ने हौसला दिया, किसी भी आदमी बहुत सही है, यहाँ पे ऐसा है वैसा है, कि आप लोगों ने इतना हौसला दिया, अगर यहाँ काम खतरनाक भी होगा ना, उस हौसले से खतरनाक काम भी कुछ नहीं लगता है। नहीं नहीं, देखो आदमी में जैसा तुम जैसा मैं हो गया, अभी साथ में काम कर रहा है, कोई मुश्किल हो गया, कोई तकलीफ हो गया, किसी चीज का कम हो गया, कोई चीज चाहिए तो बोलना, कोई मुश्किल का बात नहीं, कभी मेरा पास नहीं भी हो सकता है, कभी कभी मेरा मैं चाहिए मेरे को यानी मुसीबत होने का टाइम में मैं बोल दूंगा भाई साहब यार मेरा ऐसा ऐसा मुश्किल है, सही बात, हेल्प करो। हाँ सही, अभी आपका कोई मुश्किल हो जाएगा तो बोलना। नहीं 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 नहीं, आपने 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 मुझे इतना कुछ दिखाया अभी तक, मतलब इतना सपोर्ट किया मुझे, मैंने बोला ना शायद मैं जब मैं इधर आया था मैं 2 दिन के बाद ही भागने वाला था, लेकिन सच में आप लोग मिले हो, आप लोगों ने इतना प्यार दिया है तो घर भी याद नहीं आते है, वरना मैं मतलब घर से फर्स्ट टाइम काम के लिए बाहर निकला हूँ, मैं अपनी लाइफ में मतलब काम की जर्नी जो है ना फर्स्ट टाइम स्टार्ट कर रहा हूँ, तो ऐसा मतलब आप लोगों के साथ मिलना उठना बैठना मेरे लिए बहुत ही अच्छी वाली बात है। सही बात है। अभी क्या बहुत आदमी का डिपेंड करता है ना भाईजान, मतलब कोई आदमी कैसा होता है, कोई आदमी कैसा होता है, कोई आदमी दिल सही नहीं होता है, नहीं? सही बात है, सही बात है। ऐसा तो नहीं हर आदमी सही होगा, हर देश का आदमी मतलब आदमी कैसा बोलता है, कितना आदमी में मुंह से बोला सुना है मतलब, ये बंगाली लोग सही नहीं होता है, बंगाली लोग सही बात है, मैंने देखा, मेरा बात सुनो, ऐसा नहीं सब आदमी का नहीं बोलना चाहिए यार, कोई आदमी बहुत अच्छा है, कोई आदमी बहुत अच्छा है। अभी देखा जैसा ये मसर का हो गया, मसर का आदमी बोलता है मछली हरामी, यानी सब मछली को यानी वो एक ही जगह में डाल देता है, यानी पूरा हरामी है। सही बात है, लेकिन कितना मछली में देखा हूँ यार सही है आदमी, हंसी मजा दोस्त, इतना अच्छा आदमी भी मिला है, ऐसा हर देश में हर दुनिया में ऐसा आदमी हो जाता है, अब ये दुनिया है चलता है, चलता रहता है। सही बात है भाई साहब, चलो ये तो मैंने बोला ना, ये तो मेरी मतलब इधर आया हूँ आप लोगों के साथ चल रहा हूँ, ये बहुत अच्छा है मेरे लिए, और मैं इंशाल्लाह हमेशा यही दुआ करूंगा कि इससे आगे जो भी मेरा टाइम आप लोगों के साथ निकले बहुत ही अच्छा का निकले। मैं एक बात ऐसा लग रहा है भाईजान, देखो जैसा आप इंडिया का कश्मीर का है जी जी, अभी कश्मीर तो एक तो दुनिया का सबसे खूबसूरत जगह है जी जी, बहुत मैं तो नहीं गया हूँ, लेकिन दुनिया आदमी ने तारीफ किया हुआ किया, तारीफों के काबिल है, आप एक बार कश्मीर आना, कश्मीर को खुद आप देखना, कश्मीर तारीफों के काबिल है। अभी यानी वो तो नसीब बनता है नहीं बनता है वो ऊपर वाला जानता है, लेकिन हर आदमी के पास, हर आदमी नेपाली आदमी भी कितना आदमी कश्मीर में गया कश्मीर में काम किया वाला आदमी में कितना मिला है, सब तारीफ करता है, सब सही बात है, मतलब इंडिया में सबसे घूमने का जगह कश्मीर है। नहीं ये है क्योंकि मैं कश्मीर का हूँ भाईजान, कश्मीर बहुत सही जगह है टूरिज्म के लिए, नंबर 1 कश्मीर है। सही बात, क्योंकि कश्मीर बहुत खूबसूरत है।
नहीं मतलब मैं अभी तक तो गया नहीं हूँ, लेकिन तारीफ बहुत हर आदमी के पास सुना है। तो मेरा जो हमारा जो कपिल है जी, जो हमारा जो बॉस है, मालिक है जी, जो बॉस है जी, तो वो भी अभी बोलता है यानी मतलब वो कश्मीर में इतना अच्छा जगह है, असम मसाला बाहर छोड़ दो। सही बात है, हाँ। तारीफ करके आदमी थक जाता है। नहीं, नहीं, इतना है, अच्छा कश्मीर, इतना है, कश्मीर में वो ऐसा भी बोलता है मतलब कश्मीर का जो आदमी लोग है ना जी, आदमी लोग बहुत अच्छा होता है, मतलब जो खूबसूरत होता है जी 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 जी, मतलब यानी थोड़ा लंबा भी लंबा, सफेद। सही बात है, कश्मीर में खूबसूरती भी है क्योंकि कश्मीर में बर्फ भी गिरते हैं, मौसम ठंडा रहता है, तो उसकी वजह से लोगों में मतलब ये थोड़ा सही रहता है। तो कश्मीर बेशुमार खूबसूरत है, आप कभी आओ कश्मीर, अपनी इस YouTube फैमिली को दिखाओ कश्मीर, तो फिर आपको पता चलेगा, फिर इनको भी यकीन होगा नहीं कि कश्मीर क्या है। सही बात है, सही बात है। तो भाई साहब आज बहुत बात कर दिया, वीडियो भी बहुत लंबा हो गया, इंशाल्लाह आपके साथ में फिर दोबारा बात करेंगे आपका कश्मीर का जानने के इच्छा है जी जी जी। साथी हो, मलाई खासै हिन्दी त राम्रोसँग आउँदैन, कहिले कस्तो झ्यास झुस बोल्ने हो, त्यही सँग साथीभाइ भएको बेला चाहिँ बोल्ने। हामी नेपाली मान्छेहरूलाई जति राम्रोसँग जति मनबाट जति जान्छु भनेर बोले पनि हामीलाई हिन्दी आउँदैन, किनभने उनीहरूको त्यो आफ्नो भाषा हो। हामीलाई नेपाली भाषा जति बोल्न आउँछ त्यति हिन्दी भाषा बोल्न आउँदैन। खास गरी भन्ने हो भने हामी नेपाली भए पनि हाम यो चलो आज इतना बात हो गया, आपके साथ में बहुत खुश हुआ, आपने यानि चेहरा नहीं दिखाया जी जी, आप दिखाओ। नहीं कोई मसला नहीं, करो चेहरे को मैं दिखाऊंगा, हम कौन सी वहाँ लड़की है जो चेहरा छुपाएंगे। तो माशाल्लाह मेरा जो देखने वाला का आप चेहरा दिखा दो। चलो मैं आता हूँ मैं पास आपके। सो हेलो यूट्यूब फैमिली, अस्सलाम वालेकुम, आई होप भाईजान की यूट्यूब फैमिली सब ठीक होगी, ठीक है ना। भाईजान ने आज मेरे साथ बहुत ज्यादा बातें की कश्मीर के बारे में, कश्मीर में क्या है, खूबसूरती है, लेकिन माशाल्लाह कि कश्मीर में आप जान भी नहीं सकते हो, खूबसूरती यार लाजवाब है, ठीक है। तो भाईजान का जो नेक्स्ट एपिसोड आएगा उसमें हम कश्मीर के टॉपिक के बारे में बहुत ज़्यादा बातें करेंगे इंशाल्लाह, ठीक है ना, बहुत अच्छी अच्छी बातें करेंगे। भाईजान का भी सवाल था कि आपका चेहरा दिखा दो, माशाल्लाह मैं लड़की तो नहीं हूँ चेहरा दिखाने से। नेपाली भाइयों मैं आपको मतलब बहुत थैंक यू करता हूँ, जितने भी सऊदी अरब में नेपाली भाई बहुत बहुत थैंक यू, और हमेशा इसी दिल रखना, ठीक है, हमेशा इसी सपोर्ट करते रहना, क्योंकि लाइफ का कोई भरोसा नहीं है, कभी भी हार सकते हो, आज जिंदा हो सुबह हो नहीं हो, बस पैसा कुछ भी नहीं है, पैसा ये हाथों का मेल है, जान का कभी भरोसा नहीं है, कुछ भी नहीं, पैसा हाथों का मेल है, जितना भी हो सके सपोर्ट, और भाईजान की चैनल को लाइक कमेंट सब्सक्राइब करना ना भूले, क्योंकि जब भी नेक्स्ट वीडियो आए नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों के पास आए, ठीक है ना। सो चलो करते हैं काम, भाईजान तो व्लॉग को एंड करने वाला है, ठीक है ना। चलो मैं बता देता हूँ आज, क्योंकि इसने बोला फेस शो करो, अब खाली फेस शो नहीं, अब मैं आपको बता भी दूंगा कि क्या आप कश्मीरी से मिलोगे, कश्मीरी में बहुत कुछ जानोगे। सो चलो भाईजान की चैनल को लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में कश्मीरी टॉपिक पे, ओके।